चैप्टर थ्री बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास इफ दी बाइनरी ऑपरेशन सर्कल इज डिफाइंड बाय ए सर्कल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी ऑन सेट क्यू माइनस ऑफ माइनस वन ऑफ ऑल रैशनल नंबर अदर देन वन शो दैट ओ इज कमोडेटिव ऑन क्यू माइनस ऑफ माइनस वन देखो हमें क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बाइंड्री ऑपरेशन दिया हुआ है सर्कल और ये डिफाइंड है ए सर्कल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी ठीक है हमारे पास सेट दिया हुआ है क्यू माइनस ऑफ माइनस वन मतलब माइनस वन को छोड़ के बाकी सारे रैशनल नंबर ठीक है हमें बताना है कि शो शो डैट सर्कल इज कॉमोडेटिव हमें इसको कॉमोडेटिव बताना है ठीक है तो देखो ए सर्कल कॉमोडेटिव होता है कि ए सर्कल बी इक्वल टू बी सर्कल ए ये होता है कॉमोडेटिव तो आप क्या करो बी सर्कल ए निकालो देखो ए सर्कल बी है ए प्लस बी माइनस ए बी तो बी सर्कल ए क्या होगा ए की जगह बी रखना है और बी की जगह ए क्या बनेगा देखो बी प्लस ए माइनस ए बी की जगह बी ए है ना अब देखो बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ ना और बी ए को ए बी लिख सकते हैं तो आप देखो ए सर्कल बी और बी सर्कल ए दोनों बराबर आ गए तो ए सर्कल बी इक्वल टू बी सर्कल ए सर्कल इज कॉमोडेटिव ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास शो डैट दी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू थ्री ए प्लस बी सेवन बी इज़ नॉट कॉमोडेटिव अब बाइंड्री ऑपरेशन स्टार्ट दिया हुआ है वो सेट है इंटीजर्स का ठीक है हमें बताना है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए थ्री ए प्लस सेवन बी ये कामोडेटिव नहीं होना चाहिए तो अब हम कोई एग्जाम्पल ले कर चेक करेंगे याद रखो जब भी नॉट होना तो उस केस में आपको एग्जाम्पल लेनी होती है ठीक है तो हम क्या करते हैं कोई भी दो इंटीजर्स ले लो वन और टू ले लो लेट वन टू बिलोंग्स टू इंटीजर अब हम क्या करेंगे कॉमोडेटिव नहीं होने के लिए हम वन स्टार टू निकालेंगे और टू स्टार वन निकालेंगे और देखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए तो उससे प्रूफ हो जाएगा ये कॉमोडेटिव नहीं है तो सबसे पहले वन स्टार टू ए की जगह वन डालना है और बी की जगह टू थ्री ए थ्री ए की जगह वन और बी की जगह टू ठीक है ये बनेगा थ्री प्लस फोर्टीन तो ये आ गया हमारा सेवनटीन ठीक है अब हम निकालेंगे टू स्टार वन ए स्टार बी दिया थ्री ए प्लस सेवन बी तो टू स्टार वन क्या होगा ए की जगह टू बी की जगह वन थ्री इंटू टू प्लस बी की जगह वन सेवन इंटू वन ये हो जाएगा सिक्स प्लस सेवन वो कितना हो गया थर्टीन देखो दोनों बराबर नहीं आए वन स्टार टू ये सेवनटीन है और ये थर्टीन है ज नॉट इक्वल टू टू स्टार वन तो हम कहेंगे स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव यह हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स का भी प्रूफ क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजियर्स अ बाइंड्री ऑपरेशन स्टार is defined as ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्रूव डैट स्टार इज नॉट एसोशियेटिव ऑन जेड देखो जेड दिया हुआ है इंटीजर्स का सेट स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है और वो क्या डिफाइन कर रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन ठीक है हमें प्रूव करना है कि स्टार एसोशिएटिव नहीं होना चाहिए देखो मैंने आपको बताया था क्या बताया था ए स्टार B star C equal to A star B star C ठीक है अब इसने बोला कि एसोसिएटिव नहीं होना चाहिए तो हमें एग्जाम्पल से प्रूव करना पड़ेगा तो हम लेट कर लेते हैं कोई तीन इंटीजर्स ले लो वन टू थ्री बिलोंग्स टू इंटीजर्स ठीक है अब हम लेंगे एल एच एस फिर निकालेंगे आर एच एस देखो ये ए है ये बी है ये सी है तो ए की जगह वन बी की जगह टू सी की जगह थ्री एल एच एस निकालने जा रहे हैं वन स्टार टू स्टार थ्री ठीक है अब देखो टू स्टार थ्री कैसे निकालेंगे देखो ए स्टार बी है ए बी प्लस वन तो टू स्टार थ्री क्या होगा ए की जगह टू डाल दो और बी की जगह थ्री तो ये बनेगा टू इंटू थ्री प्लस वन वो हो जाएगा टू थ्री सा सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन ठीक है अब आप इसको फिर से पढ़ो ए स्टार बी ए स्टार बी है ए बी प्लस वन तो ए की जगह वन और बी की जगह सेवन तो ये बनेगा वन इंटू सेवन प्लस वन ये आ जाएगा एट ठीक है अब हम आर निकालते हैं आर देखो क्या है ए स्टार बी को ब्रैकेट में रखना है और सी को बाहर तो अब वन स्टार टू को ब्रैकेट में रखो और थ्री को बाहर निकालो देखो वन स्टार टू निकालो ए की जगह वन बी की जगह टू ए स्टार बी ये दिया तो ए यह हो जाएगा वन इंटू टू प्लस वन स्टार थ्री टू वन सा टू टू प्लस वन थ्री ये बनेगा थ्री स्टार थ्री ठीक है अब ए स्टार बी है ए बी प्लस वन तो थ्री स्टार थ्री क्या होगा ए की जगह थ्री बी की जगह थ्री थ्री इंटू थ्री प्लस वन वो हो गया नाइन प्लस वन टेन देखो दोनों बराबर नहीं आई एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस स्टार इज नॉट एसोशिएटिव ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन का प्रूफ क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास लेट एस बी दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन एंड लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस पहले यहाँ तक समझो देखो एस दिया हुआ है रियल नंबर्स का सेट रियल नंबर में से लेकिन माइनस वन छोड़ के माइनस वन को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स होंगे और स्टार दिया बाइनरी ऑपरेशन और वो डिफाइंड है कि ए स्टार बी इक्वल टू यहाँ लिखो ए प्लस बी प्लस ए बी ठीक है अब आगे पढ़ो डिटरमाइन स्टार इज ए बाइंड्री ऑपरेशन ऑन एस हमें बताना है कि स्टार देखना है कि स्टार बाइंड्री ऑपरेशन है या नहीं है अगर है इफ़ यस चेक इट्स कॉमोडेटिव एंड एसोसिएटिविटी अगर है तो कॉमोडेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है और उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन टू स्टार एक्स स्टार थ्री इक्वल टू सेवन सॉल्व द इक्वेशन मतलब हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या करना है इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे करेंगे देखो अगर मान लो मैं कोई दो रियल नंबर्स लेता हूं ए और बी ठीक है अगर मैंने कोई दो रियल नंबर्स ले लिए ए और बी उन दोनों का मैं सम करता हूं तो वो तब भी रियल नंबर्स होगा है ना और अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो भी रियल नंबर्स होगा जैसे मान लो आपके पास टू और थ्री रियल नंबर्स हैं दोनों का सम करोगे फाइव आएगा वो रियल नंबर्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सिक्स आएगा वो भी रियल नंबर्स हैं तो हम तो अगर दोनों का सम किया प्रोडक्ट किया वो भी रियल नंबर आया अगर दोनों को प्लस कर दो आप फाइव प्लस सिक्स इलेवन तब भी क्या आएगा रियल नंबर्स तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इसका सम और इसका सम बी में होगा एस में तो अब देखो ए प्लस बी प्लस ए बी किसके बराबर है ए स्टार बी के ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस तो स्टार इज बाइंड्री ठीक है अब हमें चेक करनी है कॉमोडेटिविटी कॉमोडेटिव चेक करते हैं कॉमोटेटिव के लिए क्या चेक करते हैं कि ए स्टार बी ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर होना चाहिए है ना तो लेट कर लो ए बी दो एलिमेंट ले लो एस में ठीक है अब ए स्टार बी देखो क्या दिया हुआ है ए स्टार बी दिया आपके सामने ही है ए प्लस बी प्लस ए बी ये दिया ना ठीक है अब देखो बी स्टार ए क्या होगा अगर ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस ए बी है तो बी स्टार ए होगा बी प्लस ए प्लस बी ए यही होगा ना तो ए प्लस बी को मैं लिख रहा हूँ बी प्लस ए और ए बी को लिख रहा हूँ मैं बी ए कर सकते हैं ना ऐसा तो ये किसके बराबर है ये है बी स्टार ए के तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो गया तो स्टार इज कॉमोडेटिव ठीक है अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी देखो एसोसिएटिविटी क्या होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी ये होता है एसोसिएटिव तो और यहाँ पे ना ए स्टार बी की जो आपके पास डेफिनेशन है वो भी लिख लो ये मैं रफ में लिख रहा हूं ये गिवन डेफिनेशन है आप चेक कर लो ए प्लस बी प्लस ए बी ठीक है अब यहां पे तीन एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी ये तीनों हम एस में ले रहे हैं ठीक है सबसे पहले एल एच एस सोल्व करेंगे एल एच एस है ए स्टार बी स्टार सी ठीक है करो इसको सॉल्व देखो ए स्टार बी है ए प्लस बी प्लस ए बी तो B स्टार C क्या होगा B प्लस सी प्लस बी सी बी प्लस सी प्लस बी सी ठीक है अब आप इसको A पढ़ो और इस पूरे को B पढ़ना है सुनो ध्यान से इसको A और इसको B ये बन रहा है A स्टार B वो किसके ए प्लस बी प्लस ए बी तो A की जगह A प्लस B की जगह देखो क्या डालना है B की जगह ये पूरा B प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी ए की जगह ए और बी की जगह ये पूरा बी प्लस सी प्लस बी सी ठीक है अब इसको सॉल्व करो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी ये आ गई हमारी एल एच एस ठीक है अब आर एच एस निकालो देखो आर एच एस क्या है हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी अब ए स्टार बी की डेफिनेशन आपके सामने है ए प्लस बी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी ठीक है अब आपने इसको ए पढ़ना और इसको बी पढ़ना तो ये क्या बन रहा है इसको ए पढ़ा ए स्टार और सी को बी ए स्टार बी किसके इक्वल है ए प्लस बी प्लस ए बी तो सबसे पहले ए ए की जगह ये पूरा डाल दो देखो मैं ए की जगह ये लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस अब देखो क्या है इसके बाद बी बी की जगह सी फिर प्लस ए बी ए की जगह ये पूरा ठीक है ए डाल दिया फिर क्या इसके साथ बी बी है यहां पे सी अब इसको सॉल्व करो वो ये आना चाहिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी अब मैं इसको ना थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ पहले ए बी और सी लिख रहा हूँ ठीक है मैंने ये तीनों लिख दिए फिर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ ए बी सी फिर लिख रहा हूँ ए बी फिर लिख रहा हूँ ए सी और एबीसी अब चेक करो एल एच एस और आरएचएस को देखो ये है एल एच एस जिसको मैं टिक कर रहा हूं और ये है आरएचएस देखो दोनों बराबर है है ना बराबर तो एल एच एस इक्वल टू आरएचएस तो स्टार हो गया एसोसिएटिव ठीक है अब इसके बाद हमें क्या निकालना था आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा था ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें अब मैं यही लिखने जा रहा हूं टू स्टार एक्स स्टार थ्री इक्वल टू सेवन ठीक है अब आप ना क्या करो इसको ए स्टार बी पढ़ो ए स्टार बी की डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं रफ में ए प्लस बी प्लस ए बी ठीक है तो ए है टू और बी है एक्स ए की जगह टू डाल दो बी की जगह एक्स ए टू बी की जगह एक्स फिर देखो फिर है ए बी ए की जगह टू बी की जगह एक्स ठीक है अब आप इसको ए पढ़ो इस पूरे को और इसको बी पढ़ो तो ये फिर से बन रहा है ए स्टार बी तो डेफिनेशन देखो क्या ए स्टार बी की कहां लिखी मैंने ये लिखी है ना ए स्टार बी की ए प्लस बी प्लस ए बी तो ए की जगह आप रखना है ये ए है टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स आ गया ए प्लस बी बी की जगह थ्री फिर देखो क्या आगे प्लस ए बी ए की जगह टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स और उसके बाद हमने क्या रखना है ए आ गया बी की जगह देखो क्या रखना है बी की जगह थ्री इक्वल टू सेवन ठीक है अब इसको सॉल्व करो सबसे पहले ये एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया थ्री एक्स प्लस थ्री इसको ना थ्री एक्स लिख के फिर मल्टीप्लाई करो करो इससे थ्री टू सा सिक्स और थ्री इससे थ्री थ्री सा नाइन एक्स इक्वल टू सेवन ये हो जाएंगे ट्वेल्व एक्स अब ये टू और थ्री सिक्स सिक्स और सिक्स ट्वेल्व ये एक बार दोबारा देखो थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स हो गया ट्वेल्व एक्स टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस सिक्स इलेवन अब इलेवन को उस तरफ ले जाओ सेवन माइनस इलेवन सेवन माइनस इलेवन कितना होता है माइनस फोर अब ट्वेल्व को इसके नीचे ले आओ माइनस फोर अपॉन ट्वेल्व तो एक्स आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास ऑन क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी बाय टू शो डैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव देखो हमारे पास सेट दिया हुआ है क्या हु? क्या हो रैशनल नंबर स्टार बाइंड्री ऑपरेशन है और ए स्टार बी दिया हुआ ए माइनस बी बाय टू ठीक है अब हमें बताना है कि स्टार जो है वो एसोसिएटिव नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है ठीक है तो देखो अब नॉट है ना तो हमें एग्जाम्पल से प्रूफ करना पड़ेगा तो हम ए बी सी को ए बी सी को कुछ लेट कर लेते हैं मान लो टू फोर और सिक्स तीन एलिमेंट ले लिए मैंने बिलोंग्स टू क्यू ठीक है अब सबसे पहले एल निकालेंगे फिर RHS। पहले निकालो एल देखो ए की जगह टू रखना बी की जगह फोर और सी की जगह सिक्स टू स्टार फोर स्टार सिक्स ये ले ली एल ठीक है अब देखो ए स्टार बी है ए माइनस बी बाई टू तो फोर स्टार सिक्स क्या होगा फोर माइनस सिक्स अपॉन टू यही होगा ना तो ये बन जाएगा माइनस टू माइनस टू बाय टू माइनस वन ठीक है यही होगा ना अब यहां पे दोबारा से लगाओ ए स्टार बी की डेफिनेशन ए स्टार बी है ए माइनस बी बाय टू तो ए की जगह टू और बी की जगह माइनस वन अपॉन टू तो ये हो जाएगा थ्री प्लस टू टू प्लस वन थ्री थ्री बाय टू ठीक है अब आर एच एस आर एच एस में ए और बी को ब्रैकेट में रखना है मतलब टू और फोर को ब्रैकेट में रखो और स्टार सिक्स अब देखो ए स्टार बी है ए माइनस बी बाय टू तो टू स्टार फोर क्या होगा टू माइनस फोर बाय टू ये कितना हो जाएगा माइनस टू माइनस टू अपॉन टू माइनस वन स्टार सिक्स ठीक है अब इस पे ए स्टार बी की दोबारा डेफिनेशन लगाओ ए स्टार बी है ए माइनस बी बाय टू तो ए है माइनस वन और बी है सिक्स तो आप चेक करो देखो दोनों बराबर नहीं आए एक आया थ्री बाय टू एक आया माइनस सेवन बाय टू तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टेंथ है हमारे पास ऑन जेड जेड है हमारे पास यहां पर इंटीजर्स दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर प्रूव डेट स्टार इज नीदर कॉमोडेटिव नॉर एसोशिव ऑन जेड देखो हमारे पास जेड दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजियर्स बाइंड्री ऑपरेशन स्टार है और स्टार डिफाइंड है ए प्लस थ्री बी माइनस फोर ठीक है अब हमें स्टार को बताना है ना वो कॉम्बेटिव होना चाहिए ना एसोसिएटिव तो दोनों के लिए हमें एग्जाम्पल देनी पड़ेगी ठीक है तो पहले तो लिखेंगे स्टार इज नॉट कॉमडेटिव कॉमटेटिव के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए अब नॉट है तो एग्जाम्पल देके लेट वन टू लो वन टू बिलोंग्स टू इंटीजर्स ठीक है सबसे पहले ए वन स्टार टू निकालो वो क्या आएगा देखो ए स्टार बी है ए प्लस थ्री माइनस फोर तो वन स्टार टू क्या होगा ए की जगह वन बी की जगह टू वन बी की जगह टू थ्री इंटू टू माइनस फोर यह हो जाएगा वन प्लस सिक्स माइनस फोर सेवन में से फोर के थ्री ठीक है अब बी स्टार ए निकालो टू स्टार वन अब आपने क्या करना है एक की जगह टू डालना है और बी की जगह वन तो टू प्लस थ्री इंटू वन माइनस फोर ये हो जाएगा फाइव माइनस फोर वन देखो दोनों बराबर नहीं आई तो वन स्टार टू इज नॉट इक्वल टू टू स्टार वन स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव ये हो गया हमारा एक पार्ट अब दूसरा पार्ट एसोशिएटिव के लिए तीन एलिमेंट ले लो वन टू थ्री तीनों इंटीजर्स हैं ठीक है ठीके? अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एल निकालेंगे एल क्या है वन स्टार ब्रैकेट में टू स्टार थ्री ठीक है अब लगाओ डेफिनेशन टू स्टार थ्री की ए स्टार बी है ए प्लस थ्री बी माइनस फोर तो टू स्टार थ्री क्या होगा ए की जगह टू बी की जगह थ्री तो टू प्लस थ्री इंटू टू माइनस फोर अब इसको सॉल्व करो मैं डायरेक्टली करूँगा थ्री टू सा सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट में से फोर गए फोर अब फिर से ये ए स्टार बी बन गया ए स्टार बी है ए प्लस थ्री बी माइनस फोर तो ए की जगह वन और बी की जगह फोर माइनस फोर ये लगाई मैंने ठीक है ए की जगह वन डाला बी की जगह फोर डाला थ्री फोर सा ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन थर्टीन में से फोर गए नाइन ये LHS. अब RHS आ गई हमारी एल एच एस अब आर एच एस आ जाओ आर एच एस में क्या करना है वन और टू को पहले ब्रेकेट में रखना है स्टार थ्री ठीक है मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए प्लस थ्री बी माइनस फोर लगाओ वन स्टार टू ए की जगह वन बी की जगह टू वन प्लस थ्री इंटू टू माइनस फोर स्टार थ्री ये कितना हो जाएगा सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन में से फोर गए थ्री थ्री स्टार थ्री अब फिर से यही ए की जगह थ्री बी की जगह थ्री यहाँ डाल दो ए की जगह थ्री बी की जगह थ्री थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व में से फोर गे एट थ्री थ्री नाइन नाइन हाँ देखो दोनों बराबर नहीं है एक नाइन है और एक एट है तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टेन भी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारे पास ऑन द सेट क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन फाइव प्रूव दैट स्टार इज एसोसिएटिव ऑन क्यू देखो क्यू दिया हुआ है रैशनल नंबर स्टार बाइंड ऑपरेशन है और ए स्टार बी दिया हुआ है ए बी बाई फाइव हमें इसको ना एसोसिएटिव प्रूव करना है अब ये तो हंड्रेड परसेंट है कि ये एसोसिएटिव है तो हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते ठीक है तो एग्जाम्पल नहीं देनी है, आपको जनरल प्रूफ देना है देखो कैसे अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं स्टार इज एसोसिएटिव अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल देनी है जैसे नॉट लिखा होता तो एग्जाम्पल दे सकते हो लेकिन अगर है तो फिर एग्जाम्पल नहीं दे सकते एसोशिएटिव ये होता है ये एसोशिएटिव लॉ होता है इसको हमें प्रूफ करना है एल और आरएचएस अलग अलग निकालेंगे और प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं ये ए बी सी हमारे पास सेट दिया हुआ रैशन नंबर का ठीक है अब एल निकालो एल है ए स्टार बी स्टार सी अब देखो ए स्टार बी है ए बी बाय फाइव तो बी स्टार सी क्या होगा बी सी बाय फाइव है ना यही होगा ना ठीक है बी सी अपॉन फाइव मैंने फाइव लिखा है इसको ए पढ़ो और इसको बी ठीक है ये बन रहा है ए स्टार बी इसको ए इसको बी इस पूरे को ए स्टार बी है ए बी बाय फाइव तो ए की जगह ए लिखना है बी की जगह बी सी अपॉन फाइव और अपॉन में फाइव तो ये बन जाएगा ए बी सी अपॉन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव ये निकल गई हमारी एल एच एस अब आ जाओ आर एच एस पे आरएचएस आपके सामने लिखी है मैंने ए स्टार बी स्टार सी सबसे पहले देखो ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए बी अपॉन फाइव तो ए स्टार बी की जगह लिख दो ए बी अपॉन फाइव स्टार सी ठीक है इसको ए पढ़ो और इसको बी तो ये बन रहा है ए स्टार बी ए स्टार बी है ए बी ए स्टार बी ए बी अपॉन फाइव तो ए की जगह आपको लिखना है ए बी अपॉन फाइव ये देखो ये आ गया ए फिर है बी बी की जगह सी ए बी और अपॉन में सी तो ये बन जाएगा ए बी सी फाइव ट्वेंटी फाइव देखो दोनों बराबर आ गई एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो ये हो गया हमारा हेंस स्टार इज एसोशिएटिव लिख लेना पूरा ठीक है हेंस स्टार इज ये हो गया हमारा इलेवन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ बिल्कुल सेम है इलेवेंथ की तरह क्वेश्चन देखो क्या है? दी बाइंड्री ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन सेवन आगे पढ़ो आप ऑन दैट ऑफ ऑल रैशनल नंबर प्रूफ दैट स्टार इज एसोशिव बिल्कुल सेम जैसे अभी किया तो देखो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे स्टार इज एसोशिव उसमें ए बी अपॉन फाइव था इसमें ए बी अपॉन सेवन है तो लेट तीन एलिमेंट ले लो ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू अब सबसे पहले एल एच एस निकालते हैं ए स्टार बी स्टारी अब देखो ए स्टार बी है ए बी बाई सेवन तो बी C क्या होगा बी सी बाई सेवन है ना अब आप इसको ए पढ़ो ये ए ही है और इसको बी पढ़ो ठीक है ए स्टार बी क्या है ए बी बाई सेवन तो ए की जगह ए फिर है बी बाय सेवन अपन में सेवन लिखो और बी बी देखो क्या है? बी सी बाय सेवन तो ये हो गया ए बी सी सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन ठीक है ये आ गई एल एच एस अब आरएचएस आरएचएस में ए स्टार बी को ब्रेकेट में रखो और सी को बाहर अब देखो ए स्टार बी ए स्टार बी है ए बी बाय सेवन ए बी बाय सेवन स्टार सी ठीक है ये आ गया ए और ये आ गया B A स्टार B किसके बराबर है ए बी बाई सेवन तो A की जगह ये रखना है ये आ गया A फिर क्या बी बी की जगह C अपॉन सेवन ठीक है इनको हटा सकते हो तो ये बनेगा ए बी सी अपॉन सेवन सेवन ज फोर्टी नाइन देखो दोनों बराबर आ गई तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस स्टार इज एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का भी प्रूफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हमारे पास ऑन क्यू क्यू है रैशन नंबर दी सेट ऑफ ऑल रेशन नंबर अ बाइंड्री ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू शो डैट स्टार इज नॉट एसोशिएटिव तो इस बार हमें स्टार को क्या शो करना है एसोशिएटिव नहीं होना चाहिए अब देखो जब नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देनी है ठीक है तो लेट कर लो आ, क्या एलिमेंट लें सिक्स ले लेते हैं फोर ले लेते हैं टू ले लेते हैं क्योंकि नीचे टू है ना डिवाइड में तो ईजी रहेगा इसलिए मैंने आप वन टू थ्री भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बिलोंग्स टू के अब एच निकालो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से ये होता है एसोसिएटिव तो आपने क्या करना है ए की जगह सिक्स रखना है बी की जगह टू और सी की जगह ए की जगह सिक्स बी की जगह फोर सी की जगह टू ए की जगह सिक्स फिर बी की जगह फोर सी की जगह टू ठीक है सबसे पहले फोर स्टार टू निकालो देखो ए स्टार बी है ए प्लस बी बाय टू तो फोर स्टार टू क्या होगा फोर प्लस टू अपॉन टू है ना तो ये बनेगा सिक्स स्टार फोर प्लस टू कितना होता है सिक्स सिक्स बाय टू थ्री अब ए स्टार बी है ए प्लस बी बाई टू तो सिक्स स्टार थ्री क्या हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री बाय टू ये आ गया हमारा नाइन अपॉन टू ठीक है अब आर एच एस में ए और बी को ब्रैकेट में सी बाहर मतलब सिक्स और फोर को ब्रैकेट में और टू को बाहर रख दो अब लगाओ ए स्टार बी है ए प्लस बी बाय टू तो सिक्स स्टार फोर क्या होगा सिक्स प्लस फोर अपॉन टू स्टार टू अब ये हो गया टेन टेन बाय टू फाइव फाइव स्टार टू लगाओ भाई डेफिनेशन दोबारा ए स्टार बी है ए प्लस बी बाय टू फाइव स्टार टू हो जाएगा फाइव प्लस टू अपॉन टू तो ये आ गया हमारा सेवन बाय टू देखो एक है नाइन बाय टू और एक है सेवन बाय टू तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस तो प्रूफ हो गया स्टार इज नॉट एसोसिएटिव क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास लेट सेट एस बी दी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट वन मतलब एस सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन वन को छोड़ के वन यहाँ पे रैशनल नंबर हमने नहीं लेना मतलब वन को छोड़ दो बाकी सारे रैशनल नंबर और स्टार डिफाइंड है ऑन एस ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी आगे पढ़ो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस फर्स्ट पार्ट है इसका प्रूव डैट स्टार इज ए बाइंड्री ऑपरेशन ऑन एस सेकेंड है स्टार इज कॉमोटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट में स्टार इज बाइंड्री तो देखो कैसे सबसे पहले कोई दो रैशनल नंबर लो ए और बी दो रैशनल नंबर ले लो वो ले लिया मैंने एस ठीक है जैसे मान लो टू और थ्री लिया ठीक है अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस करोगे तो वो क्या आएगा फाइव वो भी रैशनल होता है होता है ना रैशनल अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स सिक्स भी रैशनल होता है तो मैं यही लिखने जा रहा हूँ ए प्लस बी और उन दोनों का प्रोडक्ट वो भी हमारे पास रैशनल आएगा ठीक है अच्छा अब एक आया फाइव और एक आया सिक्स ये दोनों रैशनल है अगर मैं दोनों को माइनस करूँ तब भी ये रैशनल होगा तो वही लिखने जा रहा हूँ ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू एस तो हम यहां लिखेंगे ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस स्टार इज बाइंड ये हो गया हमारा पहला पार्ट अब सेकंड पार्ट है हमें कॉमोडेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करना है तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कॉमोडेटिव लेट ए बी बिलोंग्स टू एस ठीक है कॉमोडेटिव क्या होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए ए स्टार बी देखो आपके सामने लिखा है ए प्लस बी माइनस ए बी यही होगा ना अच्छा मेरे को एक चीज बताओ बी स्टार ए क्या होगा अगर ए स्टार बी है ए प्लस बी माइनस ए बी तो बी स्टार ए क्या होगा बी प्लस ए माइनस बी ए यही होगा ना तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं ना और ए बी को मैं लिख सकता हूँ बी ए और वो देखो किसके बराबर है बी स्टार ए के तो प्रूफ हो गया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए स्टार इज कॉमोडेटिव अब लास्ट हमें प्रूफ करना है एसोसिएटिव अब एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोला हंड्रेड परसेंट है कि ये एसोसिएटिव होगा तो सबसे पहले एल ले लो ए स्टार बी स्टार सी ठीक है तो सबसे पहले बी स्टार सी निकालो देखो ए स्टार बी दिया आपके पास ए प्लस बी माइनस ए बी है ना तो बी स्टार सी क्या होगा बी प्लस सी माइनस बी सी यही होगा ना अब आपने इसको ए पढ़ना है और इसको बी ए स्टार बी वो क्या ए प्लस बी माइनस ए बी तो सबसे पहले ए ए की जगह ए प्लस बी बी की जगह ये पूरा बी प्लस सी माइनस बी सी फिर माइनस ए ए बी ए की जगह ए बी की जगह ये ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी इसको यहां तक छोड़ दो अब आर एच एस आर एच एस में ए और बी को ब्रैकेट में रख लो और सी को बाहर अब ए स्टार बी आपके सामने लिखा है ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी ठीक है अब इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो ए स्टार बी वो ये दी तो ए की जगह आपको रखना है ये पूरा ए या गया ए फिर देखो क्या प्लस बी बी की जगह रखना है सी फिर माइनस ए बी ए की जगह ये पूरा ए प्लस बी माइनस ए बी फिर बी बी की जगह सी अब इसको सॉल्व करो यह आ जाएगा ए प्लस बी पहले सी लिख रहा हूं ठीक है बाद में माइनस ए बी फिर इसको मल्टीप्लाई माइनस ए सी ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी अब आप चेक करो एल एच एस और आर एच एस बराबर है तो स्टार इज़ एसोशिएटिव ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोटीन कंप्लीट